तो व्हाट्सअप गाइस, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देखेंगे, मैं आप लोग को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। इस वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग बैकग्राउंड को ओके इफेक्ट ब्लर करेंगे एंड फेस को कैसे स्मूथ करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उस पर क्लिक करने के बाद जिस फोटो को हम लोग को एडिट करना है उस फोटो को हम लोग ऐड कर लेंगे। और जो बगल में पेंसिल वाला आइकन दिख रहा होगा उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उस पर क्लिक करने बाद जो हीलिंग लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको बॉडी पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है तो ये ऑटोमेटिक वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इस फोटो को हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव कर लेते हैं हम लोग। और सेव करने के बाद फिर से जो बगल में पेंसिल वाला आइकन बना है उस पर फिर से क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर क्लिक कर नीचे आप लोग को ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन दिखेगा, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप लोग कंट्रास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कंट्रास्ट जो लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने बाद जो इसका हम लोग यहाँ से ग्रेन है इसको हम लोग बढ़ा देंगे, 40 के आसपास रख लेंगे। और कंट्रास्ट को वही उतना ही रखने, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम लोग 34 तक। और इसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद फिर से हम लोग पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना, डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है। डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने के बाद जो नीचे प्लस वाला आइकन बना है उस पर भी क्लिक कर देना है। और नीचे से हम लोग यहाँ से एक PNG को ऐड करेंगे, जिस PNG का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है। फुल जूम करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करना, इसको लाइटन कर लेना है। लाइटन करने इसका ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। और इसके बाद इस फोटो को सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद फिर से नीचे जो प्लस वाला पेंसिल वाला आइकन उस पर क्लिक कर देना है। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद इसका सर्किल छोटा कर लेना है। और छोटा करने के बाद इसका हम लोग ट्रांजिशन 0 कर लेंगे। और इसको नीचे कुछ इस तरीके से विजनेस स्ट्रेंथ भी 0 रहेगा। और इसका ब्लर स्ट्रेंथ हम लोग रख देंगे फुल या 90 के आसपास रख लेंगे। और इसको नीचे रख देना है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इस फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद फिर से जो बगल में पेंसिल वाला आइकन है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने में फिर से नीचे डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करके फिर से नीचे जो प्लस वाला आइकन है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने में हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग जिस फोटो को एडिट करने के लिए ओपन किए थे उसी फोटो को हम लोग ऐड कर लेंगे। और ऐड करने पर थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसका ओपेसिटी फुल कर लेना है। और इसके बाद इस फोटो को भी हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने पर बी एडिट पे क्लिक कर देना है। बी एडिट पे क्लिक करने पर डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने पर जो ब्रश वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। और उस पर क्लिक कर नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जो नीचे डबल एक्सपोजर लिखा है उसको 0 रखना है, इसको 0 रखना है। और कुछ इस तरीके से आप लोग को बैकग्राउंड को इरेज करके, तो देख सकते हैं हम लोग का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। और कुछ इस टाइप से आप लोग अपने बैकग्राउंड में ओके इफेक्ट डाल सकते हैं। और आप लोग आफ्टर फोकस ऐप से करते होंगे तो आप लोग का पिक का क्वालिटी लॉस हो जाता होगा, तो आप लोग कुछ इस तरीके से अपने बैकग्राउंड में ओके इफेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद इस फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद फिर से जो बगल में पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से हम लोग को सिलेक्टिव वाले ऑप्शन को ले लेना है। सिलेक्टिव को लेने के बाद कुछ इस तरीके से इसको जहाँ देख लीजिए ब्लू वाले ऑप्शन पर रख लेना है। और इसका जो सेचुरेशन है इसको हम लोग सेचुरेशन इसका कम कर लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं व्हाइट कलर का हो गया। और इसके फिर से नीचे जो प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। और इसको फेस पे रख लेना है जहाँ ब्लैक होगा। और कुछ इस तरीके से इसका ब्राइटनेस बढ़ा देना है,
उसको जहाँ भी ब्लैक हो वहाँ पे इसको रख लेना है, और हल्का सा आप लोग ब्राइटनेस बढ़ाकर चेक कर लीजिएगा फेस को। ठीक है, और इसके बाद इस फोटो को हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर से जो बगल में पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप लोग पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग जो नीचे फर्स्ट वाले ऑप्शन देख रहे होंगे उस पर क्लिक करके आप लोग को स्मूथ टू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जो इसका फेस स्पॉटलाइट है इसको हम लोग फुल कर देंगे, स्किन स्मूथ हम लोग इसका बढ़ा देंगे, आप लोग 100 के करीब भी रह सकते हैं, और आई क्लियरिटी इसका हम लोग कम कर देंगे। और इसके बाद इस फोटो को सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद आफ्टर ई बिफोर करके आप लोग देख सकते हैं, और इसके बाद नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को हम लोग सेव कर लेते हैं।